हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेल्पर स्टार में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैंगो केक की एक लाजवाब रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे घर में भी बना सकते हैं। बस इसे बनाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें लगेंगे 2 अंडे। ये 1 पाव का केक हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया है 25 ग्राम रिफाइंड ऑयल और इससे थोड़ा सा बचा हुआ तेल हम लोग ट्रे में लगा लेंगे, जिससे हमारा केक इसमें चिपकेगा नहीं। 50 ग्राम शक्कर लिया है हमने यहाँ पे, 50 ग्राम मैदा। अंडे वाले केक में मैदे और शक्कर की क्वांटिटी सेम रहती है। यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून मैंगो एसेंस लिया है, 1/2 टीस्पून येलो कलर, 1/4 जहाँ पे हमने मैदा लिया था वहाँ पे हम 1/4 बेकिंग पाउडर दे रहे हैं। और फिर अब हम इसे अच्छे से बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको जब तक बीट करना है जब तक हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। देखिए कितना अच्छा बीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर, जो हमने पहले से ही ट्रे में निकाल के रख लिया है। इसे याद रखिएगा, हमें 1 साइडेड ही घुमाना है। और इससे जो हमारा ट्रे होता है ना, उसमें डस्टिंग भी हो जाती है, जिससे हमारा केक उस पर चिपकता नहीं है। और ये हमारा मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ट्रे में निकाल ले रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से टैप कर रहे हैं, जिससे जो इसमें जो बबल्स होंगे वो हट जाएंगे। और ये हमारा OTG है, जिसे हमने 180 डिग्री पे पहले से ही फ्री हीट होने रख दिया था। अब हम इसमें अपना केक रखेंगे, जो 25 से 30 मिनट में तैयार हो गया है। अब हम इसे में जो स्टिक होती है वो डाल के देखेंगे, अगर स्टिक में कुछ नहीं लगा तो हमारा केक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा केक कितनी बेहतरीन तरीके से बन चुका है। अब हम इसे साइड से कट कर लेंगे। इसी तरह से और इसको पलटा के हम इसको टैप करेंगे, ठोकेंगे, जिससे हमारा केक ये निकल गया। देखिए कितना स्पंजी बना है और वो जो हमने मैदा लगाया था उसके वजह से आसानी से निकल गया है। और हम जो इस पे ऊपर मैदा लगाया उसको हटा देंगे और ये जो ऊपर का पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है हम इसे कट कर लेंगे। हम इसको 2 लेयर में काट लेंगे इसी तरह से। याद रखिएगा केक को एकदम ठंडा होने के बाद ही हम इस पे क्रीम लगाएंगे, वरना जो हमारा क्रीम होगा वो ना पिघल जाएगी और जो हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा। ये हमने यहाँ पे व्हिप क्रीम ले लिया है। जिसे हम बीटर की मदद से बीट करेंगे और अब हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। फिर क्रीम हमें कैसे पता चलेगा तैयार होना है, तो जब क्रीम तैयार हो जाएगी तो हम गंजा पलटाएंगे तो क्रीम गिरेगी नहीं, तब इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारी क्रीम है वो तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी क्रीम बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है।
अब हम जो हमने बेस लिया है उसको हम रख देंगे इसी तरह से, और इसमें हम डालेंगे शुगर सिरप। सिरप डालना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो हमारे केक में ना मॉइस्चर बना रहता है और वो रूखा रूखा नहीं लगता है। और फिर हम इसी तरह से नोजल की मदद से इसमें क्रीम लगा देंगे। इसी तरह से हमको बाहर की बच्चे वाले बेस के साथ भी यही करना है। हम पहले इसमें शुगर सिरप लगाएंगे अच्छे से दोनों साइड में, और फिर हम इसमें ऊपर क्रीम लगा देंगे। इसी तरह से हम क्रीम लगा लेंगे। क्रीम हम नोजल की वजह से लगाएंगे, इससे लगाना आसान रहता है और इससे जो है हमारा केक जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसे स्केल की मदद से चिकना कर रहे हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है हमें यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एक कार्ड ले लिया है, हमको केक जो राउंड शेप को बनाना था तो हम कार्ड की मदद से इसी तरह से कर लेंगे, तो हमारा केक जो होगा ऊपर से थोड़ा राउंड शेप में आ जाएगा। और फिर ये हमने 3 चम्मच न्यूट्रल जेल लिया है जिसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। न्यूट्रल जेल की ये खासियत होती है कि ये किसी भी कलर में नहीं होता, हम जो हमारा मन कर रहा है हम इसमें वो कलर मिला सकते हैं। और मैंने यहाँ 2 चम्मच पानी लिया है और मैं यहाँ पे येलो कलर मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये मैंगो कलर है और येलो कलर अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा न्यूट्रल जेल तैयार है, इसे हम आइसिंग बैग में की मदद से लगाएंगे। इसी तरह से आप भी लगा लीजिएगा। और फिर हम इसे स्केल की मदद से हल्के एकदम हल्के हाथों से अच्छे से फैला लेंगे। और ऊपर रखने के लिए हम फ्लावर्स बनाएंगे सुंदर दिखे। Thank you.
इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पत्ती बना रही हूँ। इस तरह है, देखिए इसी तरह से जहाँ जहाँ गैप है हमें सिर्फ वही वही पत्ती बनानी है। और ये हम नीचे में आउटलाइन बॉर्डर बना देंगे इसी तरह से। और ये हमारा केक बनके तैयार है। थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।